नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ओम आलोक पर। इस आइकन को पहचानते हैं आप, इस पर क्लिक करिए। यहां नहीं, नीचे वीडियो के नीचे ये आइकन बना हुआ मिलेगा, तो वहां पर आप क्लिक करिए और उसके बाद एक आइकन और मिलेगा, वो है ये। इस आइकन पे भी क्लिक करिए क्योंकि ये आइकन आपको ये बताएगा कि हमारा वीडियो आ गया और सबसे पहले आप हमें देख सकेंगे। शत्रु पर हम बहुत कुछ बोल चुके हैं, शत्रु पर आज हम फिर से कुछ बोलने वाले हैं। शत्रु यदि अपने साथ लाल लश्कर लेके आता है, बहुत सारे लोगों को लेके आता है, उसकी सेना का पलायन करना है, यानी उसके साथ के लोगों को आप चाहते हैं कि वो उससे दूर रहे, उसका साथ न दे वो लोग, खासतौर से आपके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने में, तो उसका उपाय हम आपको बता रहे हैं। शत्रु सैन्य स्तंभन, यानी शत्रु की सेना का पलायन। आज के समय में वो कह सकते हैं जो गुटबाजी करते हैं, लोगों को गुट बिखर जाएगा। ओम नमो भयंकराय खंग धारिणे मम शत्रु सैन्य पलायनम कुरु कुरु स्वाहा। ये एक मंत्र है, छोटा सा मंत्र। देखिए मंत्र सिद्ध कैसे करेंगे। इस मंत्र को कभी भी जब आपको समय मिले आप 11,000 बार पढ़ लीजिए लगातार एक बैठक में, ये सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद मंगलवार के दिन, यानी किसी भी मंगलवार के दिन, गोरोचन से शत्रु का नाम भोजपत्र पर लिख दें, उसे किसी भी कौवे या उल्लू के गले में बांध कर उसे छोड़ दें। माना होना किसी को नहीं, आप डरते होंगे, हमने माने के बड़े सारे उपाय बताए तो कोमल हो जाए, दर्शक हमारे चिंतित रहते होंगे। चलिए माना किसी को नहीं, कौवे या उल्लू किसी के भी गले में डोरे से बांध कर छोड़ दें। उसके बाद आप शत्रु की सेना के सामने जाएंगे, यानी उन गुटों के सामने, तो वो आपसे कोई दुश्मनी नहीं करेंगे, आप पर कोई हमला नहीं करेंगे। तो ये बड़ा आसान सा उपाय है, मंत्र भी इतनी अधिक बार नहीं पढ़ना है, शत्रु सैन्य विमुखीकरण हो जाएगा और आपको चैन से सोने को मिल जाएगा। हमारे चैनल को देखते रहिए, फिर मिलेंगे इसी चैनल ओम आलोक पर। नमस्कार।